Hello everyone, today we are going to study about projectile. So first of all, what is projectile? Projectile is an object thrown with initial velocity and which is then allowed to move under the action of gravity alone is called a projectile. Projectile kya hota hai? कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम उसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी देके थ्रोन करते हैं इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस और उसके बाद उसको हम लेफ्ट कर देते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल. फॉर एग्जांपल, अ वर्म रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन. जब हम किसी वर्म को एरोप्लेन से रिलीज करते हैं तो वो क्या होता है? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. सेकेंड वन, अ बुलेट फायर फ्रॉम अ गन. जब हम किसी बुलेट को फायर करते हैं गन से तो भी वो भी आपके पास क्या एक एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल का. एंड थर्ड वन इज अ जेवलिन थ्रोन बाई अ प्लेयर एटसेट्रा. जेवलिन थ्रो जो होता है वो भी एक का क्या होता है? प्रोजेक्टाइल का एग्जाम्पल होता है. नेक्स्ट आता है ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? द पाथ फॉलोड बाई द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो वो एक पाथ फॉलो करता है और उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे मान लो ये कोई हमारे पास टावर है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है और यहाँ से वो एक स्टोन को थ्रोन करता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में विद सम इनिशियल वेलोसिटी उसको दे के, मतलब कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ वो हमने ले ली यू. और क्या होता है फिर उसके बाद क्या है, जब ये स्टोन जो है थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा और उसके बाद साथ साथ में उसके ऊपर एक फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी ग्रेविटी के कारण, तो क्या होगा? ये इस तरह से एक पाथ फॉलो करेगा और एक टाइम जाके क्या होगा, वो हिट कर जाएगा ग्राउंड को. ठीक है, तो इस तरह से ये जो पाथ फॉलो किया ओ पी ए किसके द्वारा? प्रोजेक्टाइल के द्वारा. इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं. ठीक है, नाउ हॉरिजेंटल प्रोजेक्शंस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर कर लेंगे एक प्रोजेक्टाइल को जो कि उसको हम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रोन करते हैं बाय गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी यू फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर जिसकी हाइट कितनी है एच. एज इट मूव इट कवर्स हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल वेलोसिटी यू एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ अ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जैसे ये मूव करेगा तो हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी है उसकी, उसके कारण क्या वो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी करेगा क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है. ठीक है, और जो प्रोजेक्टाइल है वो मूव करेगा अलोंग द पाथ ओ पी ए. क्लियर. उसके बाद हम मान के चलते हैं कि हमारे पास लेट इट टेक टाइम टी टू रीच ऑन द ग्राउंड एट पॉइंट ए. मतलब यहाँ से हमने उसको थ्रोन किया और उसने इस पाथ को फॉलो करते हुए फिर कहाँ पे पहुँच जाएगा, वो हिट करेगा ग्राउंड को और उसको हिट करने में कितना टाइम लगा टी. तो जो हमारे पास उसके द्वारा जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी, उसको हम लिखेंगे किसके साथ, दैट इज एक्स के साथ. ठीक है, ये एक्स आ गया. उसी तरह से इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा प्रोजेक्टाइल का इन टाइम टी, उसको हम लिखेंगे वाई के साथ. तो इस तरह से हमारे पास जो मोशन हुआ प्रोजेक्टाइल का वो प्लेन में आ गया. प्लेन मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इसका मोशन आ रहा है. ठीक है, तो हमारे पास ये इसका जो मोशन होगा प्रोजेक्टाइल का वो प्लेन में होगा और उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे कौन सी, किसका यूज़ करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का. सो द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इन प्लेन.
एंड द ओकेशंस डिस्क्राइबिंग दिस मोशन आर गिवन बाय। अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने आपको बताया कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का, ठीक है। जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स आ गया, एस की जगह एक्स आ जाएगा, और वेलोसिटी जो है उसको मान लेते हैं वी जीरो एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर वन। और उसी तरह से अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई में हमारे पास क्या जाएगा, वी ओ वाई वेलोसिटी मान लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस वी ओ वाई है, टी टाइम लगता है उसको, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस ए वाई ले लेते हैं मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, तो टी स्क्वेयर, ठीक है। जो ओकेशन ऑफ मोशन हो जाएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो एट अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम डिस्प्लेसमेंट एस लेंगे और वेलोसिटी जो लेंगे बी ओ एक्स और एक्सेलरेशन ए एक्स ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वी जीरो एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। दिस इक्वेशन नंबर वन। एंड वाई मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी वी ओ वाई ले लेते हैं, टाइम टी मान लेते हैं, प्लस एक्सेलरेशन ए वाई ले लिया, तो वाई इज इक्वल टू वी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर टू। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हमने प्रोजेक्टाइल को किसी टॉप ऑफ द टावर से फायर किया था वाई गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी यू के साथ, तो जो वेलोसिटी होगी अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो आ जाएगी बी ओ एक्स इज इक्वल टू यू के बराबर, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा ए एक्स वो जीरो होगा, क्योंकि हमारे पास जो देर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि वहां पे देर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी नो चेंज इन वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी का चेंज नहीं है, तो एक्सेलरेशन ए एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। सो ये इक्वेशन, सो इक्वेशन वन बिकम्स क्या, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वन एक्स इज इक्वल टू वी जीरो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर, और टी प्लस हाफ ए एक्स जीरो है तो मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई टी स्क्वेयर, दिस इम्प्लाइज क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एक्स इज इक्वल टू यू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। फॉर वर्टिकल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल मोशन में क्या होगा, जो वेलोसिटी होगी वी ओ वाई वो जीरो के बराबर होगी, एंड जो ए वाई होगा ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। अब हम यहां पे क्या ले रहे हैं, वर्टिकल मोशन ले रहे हैं किसका, प्रोजेक्टाइल का, क्लियर। तो जो इक्वेशन टू है कौन सी, ये वाली y इज इक्वल टू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, यहाँ पे v जगह हम भर देंगे जीरो और यहाँ पे ए वाई की जगह हम भर देंगे माइनस जी, देन इक्वेशन टू बिकम्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाएगा। माइनस वाई क्यों आया, क्योंकि वाई इज टेकन एज नेगेटिव एज इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओके विद रिस्पेक्ट जो वाई जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमारे पास माइनस वाई आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे दोनों साइड माइनस है, माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, वी हैव लेफ्ट विद वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर। नाउ सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी
फ्रॉम ओकेशन थ्री इन ओकेशन फोर वी गेट, मतलब जो ओकेशन थ्री है एक्स इज इक्वल टू यू टी, जब आप इसको थोड़ा रिडेंस कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, यू इस साइड डिवाइड बाई जाएगा तो टी इज इक्वल टू एक्स ओवर यू बन जाएगा। तो आपने ये वैल्यू जो है ओकेशन फोर में यहाँ पर टी की जगह भर दी है, क्लियर। तो ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू हाफ जी, और हमारे पास था x इज इक्वल टू यू टी, और ये बन जाएगा t इज इक्वल टू एक्स ओवर यू, क्लियर। तो यहाँ पे t की जगह आप भर दो x ओवर u, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हाफ जी ओवर u स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी ओवर टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर लिख देंगे, वेयर हमारे पास के किस क्या हो जाएगा जी ओवर टू यू स्क्वायर, इसको हम मान लेंगे इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मान लिया। सो जो हमारे पास ओकेशन आई कौन सी, दिस इज ओकेशन नंबर फाइव। सो जो ओकेशन फाइव जो होगी, ओकेशन फाइव इज द ओकेशन ऑफ अ पैराबोला, पैराबोला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, किस तरह की होगी, ओकेशन ऑफ पैराबोला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। Thus, the path followed by the projectile projected horizontally from a certain height is parabolic. जब हम किसी projectile को कुछ height से fire करेंगे तो उसके द्वारा जो path follow होगा वो किस तरह का होगा, parabolic होगा, और किस तरह का होगा, वो first order parabolic in nature होगा। First time of flight, what is time of flight, the time taken by the projectile to complete its trajectory, जो time लेती है projectile complete करने के लिए trajectory को, उसको हम बोलते हैं time of flight, clear। So मान के चलेंगे let h be the height of the tower and t be the time taken by the projectile to complete its trajectory, clear, or to hit the ground। We know that for a vertical motion, y is equal to v over y t plus half a y t square. Here, जो हमारे पास y होगा वो किसके बराबर होगा, that is the height of the tower, और height क्या जाएगी minus h, और जो time है उसको हम लेंगे capital T के साथ, और जो v over y is equal to zero होगा, मतलब जो आपके पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो होगी जीरो, और जो एक्सेलरेशन होगा ए वाई दिस इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है वो फॉल कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये जो सारी वैल्यू है अब हम यहाँ पे भरेंगे, मान लो ये क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है। तो जब हम इसमें भर देंगे क्या जाएगा, वाई की जगह आ जाएगा माइनस एच, दिस इज इक्वल टू अभी वी ओ वाई ये जीरो है, सारा जीरो हो जाएगा, तो जो हमारे पास बच जाएगा ए वाई माइनस जी भर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के साथ माइनस कैंसल, और थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू अभी जी जो है इस साइड डिवाइड हो जाएगा एच ओवर जी, और टू जो है ऊपर इधर मल्टीप्लाई टू एच, तो अभी स्क्वेयर है इस साइड स्क्वेयर रूट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा टी इज इक्वल टू टू एच ओवर जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकंड आता है हॉरिजेंटल रेंज, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड इज कॉल्ड हॉरिजेंटल रेंज।
मीन्स जो ये हमारे पास फुट ऑफ टावर हो गया, और यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल जो है यहाँ पे वो हिट कर रही है ए पॉइंट के ऊपर, तो ये जो होगी हमारे पास डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से और जहाँ पे वो हिट कर रही है ग्राउंड के ऊपर प्रोजेक्टाइल, मतलब ए के ऊपर वो हिट कर रही थी, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो दैट इज नोन एज द हॉरिजेंटल रेंज। और जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो आपके पास आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ हियर जो हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस एक्स होगी उसको हम लिखेंगे रेंज आर, हॉरिजेंटल रेंज मतलब कैपिटल आर के साथ, ठीक है। और जो टी है इसको हम मानेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 2h/g। और यहाँ पे जो वी ओ एक्स वो किसके बराबर था हमारे पास, यू के बराबर, और ए एक्स किसके बराबर है, 0 के बराबर, ठीक है। सो इक्वेशन 5 बिकम्स, तो इक्वेशन 5 क्या बन जाएगी, यहाँ पे वैल्यू फॉर दो इन सभी की, तो एक्स की जगह हमारे पास आ जाएगा आर, और वी ओ एक्स की जगह आ जाएगा यू टी, ठीक है। और यहाँ पे ये ए एक्स 0 है तो ये सारा 0 जाएगा। अभी यहाँ पे दिस इज इक्वल टू यू, और टी की जगह हम क्या करते हैं भर देते हैं वैल्यू √2h/g। तो हॉरिजेंटल रेंज जो होगी वो हमारे पास बन जाएगी आर इज इक्वल टू यू √2h/g आ जाएगा। थर्ड, रिजल्टेंट वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है या वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल निकालनी है एट एनी टाइम। मान के चलते हैं लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द प्रोजेक्टाइल बी एट पॉइंट पी ऑन इट्स ट्रेजेक्ट्री। हम मान के चले कि हमारे पास जब टाइम टी है तो जो प्रोजेक्टाइल है पी के ऊपर है, ठीक है, और ऑन इट्स ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, ठीक है। सो वी नो दैट फॉर मोशन अलोंग एक्सिस हॉरिजेंटल डायरेक्शन, अभी यहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन लेनी है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब आपके पास उसका यूज करना है, तो यह आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस वी एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स प्लस ए एक्स टी, ठीक है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो हमारे पास वेलोसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर वो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, एक्सेलेरेशन ए एक्स मान लेते हैं। हियर वी नॉट एक्स इज इक्वल टू यू एंड ए एक्स इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वैल्यू भर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू यू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अभी फॉर वर्टिकल मोशन, अभी वर्टिकल मोशन के लिए देख लेते हैं हम, वर्टिकल मोशन के लिए जगह वी वाई इज इक्वल टू वी 0y प्लस ए वाई टी, तो यहाँ पे जो हमारे पास वी ओ वाई किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, और एंड ए वाई जी के बराबर। क्लियर? सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी वाई इज इक्वल टू जी टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अभी बोथ वी एक्स एंड वी आर वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। अभी यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये वी मान के चले हैं, और इस वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट वी एक्स है और वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई है, और दोनों आपस में ये परपेंडिकुलरली है, ठीक है। तो हमारे पास क्या जाएगा, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास वी एट टी इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर वी वाई स्क्वेयर प्लस 2vx वी वाई कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक पैलोग्राम बन गई, ये इसकी एडजेसेंट साइड होगी और रिजल्टेंट जो हो जाएगा हमारे पास इसका ये डायगनल, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये लगा देंगे पैराग्राफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो दिस इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा हमारे पास वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, और कॉस 90 जो होता है वो हमारे पास जीरो होता है, तो आगे सारा ये जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस 90 जीरो। तो यहाँ पे ये जो वी टू वी एक्स वी वाई जो है मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, सारा जीरो बन जाए यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट। अभी क्या करना है, जो वी एक्स और वी वाई की वैल्यू एक और दो इक्वेशन में से अभी हमने यहाँ पे भरनी है, मान लो ये इक्वेशन नंबर थ्री है इसमें, ठीक है, इन इक्वेशन थ्री, तो यहाँ पे आप भर दोगे तो क्या जाएगा हमारे पास वी टी इज इक्वल टू वी एक्स की जगह जाएगा यू यू का स्क्वेयर, और वी वाई की जगह आ जाएगा जी टी है वी वाई जी टी है तो जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ठीक है। अभी मान के चलते हैं कि जो हमारे पास ये वी टी और हमारे पास ये वी एक्स, इन दोनों के बीच एंगल बीटा है, तो हमारे पास यहाँ पे टेन बीटा, तो टेन बीटा किसके हो जाएगा वी वाई ओवर वी एक्स, दिस इज इक्वल टू वी वाई जी टी है और वी एक्स यू है, और यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा टेन इन्वर्स, इसको चले जाएगा तो टेन इन्वर्स बन जाएगा टेन का जी टी ओवर यू, बीटा इज इक्वल टू टेन इन्वर्स जी टी ओवर यू हो जाएगा। और जो ये बीटा है ये हमारे पास होगा दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। फोर्थ वन है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब प्रोजेक्टाइल हिट कर देगी ग्राउंड को तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमने निकालनी है। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू हिट द ग्राउंड व्हेन इट इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट एच इज गिवन बाई, जो टाइम ऑफ फ्लाइट टी किसके और आया था टू एच ओवर जी, ठीक है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स द सेम, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल का वो सेम रहेगा, ठीक है। दैट इज वी एक्स इज इक्वल टू वी ओ एक्स या वी जीरो एक्स प्लस ए एक्स टी दिस इज इक्वल टू यू, क्योंकि हमारे पास ए एक्स के बराबर होता है जीरो के बराबर है, तो वी एक्स के बराबर आ गया यू के बराबर, वी एक्स इज इक्वल टू यू। वर्टिकल कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी इज गिवन बाई, जो वर्टिकल कंपोनेंट इसके बारे जाएगा वी वाई इज इक्वल टू वी जीरो वाई प्लस जी टी दिस इज इक्वल टू जी टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू जी और टी की जगह हम भर देंगे रूट टू एच ओवर जी, तो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा रूट टू एच जी, क्लियर। और देयर फोर रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो आ जाएगी वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एच जी।